रेस्ट ओके, बस एक कंप्लेन है, नुसरत वॉज बेटर देन अनन्या पांडे। महिलाएं आई हैं ड्रीम गर्ल देखकर, कैसी लगी फिल्म आप लोगों को? बहुत अच्छी, कंटिन्यू लाफिंग, कंटिन्यू, बहुत मजा आ गया, एकदम एकदम फ्रेश हो गए देख के। लगी ड्रीम गर्ल टू? अच्छी है बट वन ज्यादा अच्छी थी। ड्रीम गर्ल वन या ड्रीम गर्ल? वन वॉज बेस्ट। कौन से मामले में बेस्ट थी ड्रीम गर्ल और यहाँ कहाँ कमी रह गई? मतलब लाइक हीरोइन भी लाइक फर्स्ट वाली जो थी वैसी नहीं है, फर्स्ट वाली अच्छी थी, आयुष्मान खुराना उसमें ज़्यादा बेटर थे। अच्छी थी ओके, क्या क्या एज कम्पेयर टू वन से क्या कमी रह गई? मेरे हिसाब से जो वन था उसमें ज़्यादा मतलब कॉमेडी थी और एक्टिंग भी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी थी वन में, पर आयुष्मान की तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में बहुत अच्छी है। तो अनन्या से डिसअपॉइंटेड? हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि नुसरत वो मतलब ऐसा कॉमिक रोल बहुत अच्छी दिखती है। ओवरऑल देखा जाए तो ड्रीम गर्ल टू उतनी अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट हाफ उसका बहुत ही बोरिंग था, स्लो था, और सेकंड हाफ के बाद जो मूवी है ग्रिप पकड़ती है, कुछ अच्छे चीज़ें उसमें से निकल के आती है। पहली मूवी में आपने देखा होगी जैसे वो जॉब के लिए लड़की बनते हैं, इसमें अपनी शादी के लिए लड़की बनते रहते हैं, तो ये चीज़ उसमें थोड़ी सी नई ऐड की है। नाइस कैसी लगी आपको ड्रीम गर्ल टू? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वन से बेटर नहीं थी, बट अदरवाइज ग्रेट मूवी टू वॉच, वन टाइम वॉच के लिए मस्त है। कॉमेडी मोमेंट्स बहुत अच्छे है। रेस्ट ओके, बस एक कंप्लेन है, नुसरत वॉज बेटर देन अनन्या पांडे। अनन्या पांडे कैसी लगी? अनन्या पांडे ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि मोस्टली पूरा फोकस जो आयुष्मान खुराना पे था, तो अनन्या पांडे का उतना कुछ नहीं था। जैसे उन्होंने राजपाल यादव को इस बार ऐड किया, परेश रावल को ऐड किया, उनका भी कैरेक्टर ठीक ठाक ही था, उतने कुछ जैसे राजपाल यादव से हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि भाई उनकी कॉमेडी बहुत जाएगी, उस टाइप की कुछ कॉमेडी नहीं थी। गानों की अगर बात की जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है, तीन गाने स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो कुछ गानों में उतना कुछ खास नहीं कि आप देख सके कि ये गाने में कुछ बात है, नॉर्मल एवरेज गाने। ओके, ओवरऑल फिल्म पैसा वसूल थी और इसे 5 में से कितना स्टार? आई थिंक सो 2.5 स्टार। ढाई मार्क्स क्यों कटती है? वो इसलिए क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली में विजय राज जो है वो पुलिस वाले रहते हैं, इसमें सडनली वो दिखाते हैं कि वो क्लब के मालिक बन गए हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो उन लोगों ने ध्यान नहीं दी, ऐसा नहीं होता ना। आप फर्स्ट वाली में उनको दिखा रहे हो आप पुलिस वाले हो, सेकंड में वो सीधा वो क्लब के मालिक बन जाते हैं, ऐसे कैसे? ये सब चीज़ें छोटी छोटी, अब पहले जैसी ऑडियंस नहीं रही, ऑडियंस बहुत शार्प हो गई है, आप कोई भी छोटी सी भी गलती करोगे वो पकड़ लेगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और अब क्या हो गया ना, बॉलीवुड में फिल्में बनती ज़रूर है सीक्वल, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि हर सीक्वल उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा जितना आप सोचते। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो गेटअप है लेडी का पता ही नहीं चलता, जैसे आयुष्मान खुराना का एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, सुबह सुबह फ्रेश हो गए, और आयुष्मान खुराना सुपर है। अनन्या पांडे कैसी लगी आप? अनन्या पांडे अच्छी लगी, लेकिन आयुष्मान वन साइड अनन्या मस्त ब्यूटीफुल एकदम, उसको देख के अच्छा लगता है कि ब्यूटी क्वीन जैसी लग रही है। ओके, अगर गानों की बात करूँ कौन सा फेवरेट गाना रहा? डिंगा डांग। पैसा वसूल फिल्म थी और 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? चार। एक मार्क्स फिर भी कम किया है आप लोगों ने। फोर एंड हाफ। एक्चुअली 5 देना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे देते ना तो 4 यानी बेस्ट ही है। अगर मैं गानों की बात करूँ तो कौन सा फेवरेट गाना? इसमें तो एक भी नहीं है, मेरे को फर्स्ट के सॉन्ग सब पसंद है, बट ये वाले में इतना कुछ ओके थे। ओवरऑल फिल्म पैसा वसूल थी और 5 में से कितना स्टार? पैसा वसूल तो थी, डेफिनेटली थी, 5 में से 4, 3.54। एक मार्क्स क्यों कट? क्योंकि 1 देख ली और 1 ज़्यादा बेटर थी, तो इसलिए एक मार्क्स कट करना पड़ा। ऑलराइट, थैंक यू सो। 1 वॉज बेस्ट। कौन से मामले में बेस्ट थी ड्रीम गर्ल और यहाँ कहाँ कमी रह गई? मतलब लाइक हीरोइन भी लाइक फर्स्ट वाली जो थी वैसी नहीं है, फर्स्ट वाली अच्छी थी, आयुष्मान खुराना उसमें ज़्यादा बेटर थे। अनन्या से डिसअपॉइंटेड?
ठीक है, शी वाज गुड, बट फर्स्ट में जो हीरोइन थी वो ज़्यादा अच्छी थी। ओके, ओवरऑल गाना की अगर मैं बात करूँ तो कोई फेवरेट गाना? नहीं, अभी तक तो कोई पसंद नहीं आया। नहीं, स्टोरी अच्छी लगी फिल्म? हाँ, स्टोरी ठीक। पैसा वसूल है फिल्म, और कितना स्टार देना चाहेंगी? 5 में से 4। एक मार्क्स क्यों कम? ठीक है, लाइक इतना भी अच्छी नहीं। ओके, फन हो गया। बेटर देन अनन्या पांडे। डिसअपॉइंट किया है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। किस मामले? एक्टिंग के मामले में। स्टोरी वाइज भी थोड़ा, 1 वाज मच बेटर देन 2, बट अदरवाइज नाइस। आयुष्मान एज यूजुअल मिस्टर परफेक्ट, बस रेस्ट। गाने कोई अच्छे लगे? गाने भी सारे अच्छे थे, 1 जैसे ही। 1 वाज बाप, ये भी बहुत अच्छा है। ओके, ओवरऑल 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 3 स्टार्स। 3। पैसा वसूल? हाँ, 1 टाइम वॉच के लिए पैसा वसूल है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ड्रीम गर्ल 2 देख कर आ रहे हैं, कैसी लगी आप? बहुत अच्छी फिल्म है, मैं चाहूँगा आप भी जाएं और अपनी फैमिली के साथ लेके जाएं, बहुत अच्छी फिल्म है। 1 या 2? 2। ओके, ये नहीं, आप ड्रीम गर्ल 1 या 2 की बात कर रहे हैं? तो ड्रीम गर्ल 1 बहुत अच्छी है, बिकॉज उसमें नुसरत जी ने जो काम किया, परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग। बट अनन्या जी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस में आगे आने वाली फिल्म में मुझे लगता है कि शायद वो दिख जाए। बट अभी का कुछ नहीं कह सकता, बट आयुष्मान सर माइंड ब्लोइंग सर। डिड अनन्या डिसअपॉइंट? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट इतना नहीं, बट ठीक है, चलिए आगे शायद से उनका परफॉर्मेंस अच्छा दिख जाए हमें। आयुष्मान में क्या नया दे? जो उनकी परफॉर्मेंस है, लिटरली मतलब लव इट, मतलब जो काम करते हैं ना, बाखूबी करते हैं, मतलब एक अंदाज में करते हैं, चाहे उन्होंने जो भी अपना पात्र किया है बाखूबी निभाया है। और पात्र की मैं बात करूं तो उसमें राजपाल यादव सर ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे अनु कपूर सर हो, चाहे फिर विजय राज सर हो, चाहे छोटे छोटे पात्र हो, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और हंसाया है, चाहे फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकेंड हाफ हो, दोनों एंटरटेनमेंट है। अपनी फैमिली के साथ आओ, इन्जॉय करके जाओ, पैसा वसूल है, मैं ये बोलूँगा। गाना कोई पसंद है? सेकेंड सॉन्ग है तेरे गल में, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, सेकेंड सॉन्ग जो भी है बहुत ही अच्छा सॉन्ग है उसका। ओवरऑल फिल्म पैसा वसूल थी, और 5 में से कितना स्टार देंगे? 3.5। डेढ़ मार्क्स क्यों काटे? डेढ़ मार्क्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रीम गर्ल 1 में जो सब कुछ था वो मुझे इसमें कुछ इतना खास नहीं मिला, हो सकता है शायद अनन्या जी की वजह से थोड़ा डाउट हो गया। थैंक यू।